मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। मेरा नाम है रोबी यादव और मैं आप सभी को हिंदी पढ़ाती हूँ। ठीक है बच्चों, पिछली वीडियो में हम पार्ट एक पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं और उसको अच्छे से समझ भी चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब इस वीडियो में हम कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अभ्यास प्रश्न की हम शुरुआत करते हैं शब्द ज्ञान से। पहले नंबर पर इसमें दिया हुआ है शब्द ज्ञान, आप सभी की बुकों में भी दिया होगा, बुक्स में, तो आप उसमें भी शब्द ज्ञान को देखना। अब इसमें फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है सवारना। सवारना को इंग्लिश में बोलते हैं डेकोरेट। डेकोरेट का हिंदी अर्थ हो जाएगा सजाया, तो सवारना का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? सजाया। ठीक है बच्चों, समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है जग। जग को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स, इसी का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? संसार। तो जग का और यूनिवर्स का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? संसार। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ है न्यारा। न्यारा को इंग्लिश में बोलते हैं डियर। डियर, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा सबसे अलग। न्यारा मीन्स क्या होता है? सबसे अलग। समझ आया बच्चों? ठीक है, अब नेक्स्ट दिया हुआ है प्रतिपल। प्रतिपल को इंग्लिश में बोलते हैं एवरी टाइम। एवरी टाइम, इसी को फिर इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा हर समय। प्रतिपल का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? हर समय। ठीक है बच्चों, समझ आया? नेक्स्ट दिया हुआ है चरण। चरण को बोलते हैं फुट। फुट, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा पैर। चरण को हिंदी में क्या बोलेंगे? या हिंदी इसका अर्थ हो जाएगा पैर। ठीक है बच्चों, समझ आया? नेक्स्ट दिया हुआ है प्रकृति। प्रकृति को इंग्लिश में बोलते हैं नेचर। उसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कुदरत। प्रकृति को क्या बोलते हैं? कुदरत। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं नेचर और इसका हिंदी जो अर्थ निकालेंगे उसमें क्या बोलेंगे? कुदरत। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ है निज। निज को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइवेट। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा अपना। निज मीन्स क्या होता है? अपना, या फिर इंग्लिश में वो इसको बोलते हैं प्राइवेट। ठीक है बच्चों, शब्द ज्ञान समझ आया सभी को? ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है पहले नंबर पर सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। तो आप सभी बच्चे अपनी बुक निकालेंगे और उसमें जो सही अर्थ होगा उसके आगे सही का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, पहले का नंबर पर दिया हुआ है प्रकृति अपने हाथों से निखारती है। आ नंबर पर दिया है घर का रूप। ब नंबर पर दिया हुआ है पृथ्वी का रूप। सा नंबर पर दिया हुआ है सड़क का रूप। द नंबर पर दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, हम पार्ट में पढ़ चुके हैं प्रकृति अपने हाथों से किसको निखारती है, तो इसका जो ब नंबर का आंसर है पृथ्वी का रूप, ये सही हो जाएगा और इसी के आगे आप सही का निशान लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट ख नंबर पर दिया हुआ है उत्तर दिशा में कौन खड़ा है। उत्तर दिशा में पहले नंबर पर दिया हुआ है आ नंबर पर आदमी, बा पर दिया हुआ है हिमालय, सा पर दिया हुआ है नल और दा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, हम पार्ट में आगे पढ़ चुके हैं उत्तर दिशा में कौन खड़ा हुआ है? हिमालय। ठीक है, उत्तर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। उत्तर को बोलते हैं, उत्तर दिशा को बोलते हैं नॉर्थ, और नॉर्थ में कौन खड़ा हुआ है? हिमालय। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ग नंबर पर दिया हुआ है लहराता सागर किस दिशा में स्थित है। लहराता सागर किस दिशा में स्थित है। आ नंबर पर दिया हुआ है उत्तर, ब नंबर पर दिया हुआ है दक्षिण, सा नंबर पर दिया हुआ है पूर्व और द इनमें से कोई नहीं। तो सागर मैंने आपको, आप सभी को बताया हुआ था दक्षिण दिशा में है। दक्षिण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साउथ। तो सागर कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। इसके दक्षिण के सामने आप सही का निशान लगा लेना आप सभी अपनी बुक्स में। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। घ नंबर पर सागर चरण पखारता है। आ नंबर पर दिया हुआ है माता के, ब नंबर पर दिया हुआ है पिता के, सा नंबर पर दिया हुआ है भारत माँ के और द इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको आगे जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसमें बताया था सागर चरण पखारता है। किसके पखारता है? भारत माँ के। तो क्या सही हो जाएगा इसमें? भारत माँ के आगे आप सही का निशान लगा लीजिए। ठीक है बच्चों, ये अपने सही आंसर कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद आते हैं रिक्त स्थान भरिए। दूसरे नंबर पर क्या दिया हुआ है? रिक्त स्थान भरिए।
अब इसमें पहले नंबर पर दिया हुआ है का करके, मातृभूमि की सेवा करके अपना जीवन खालिस्तान बनाएं। खालिस्तान में आप सभी को क्या भरना है, सफल, सफल सब लोग भर लेना अपनी, सभी बच्चे अपनी बुक्स में। तो मातृभूमि की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाएं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है खा नंबर पर, सागर ने भारत माँ के खालिस्तान पखारे। तो खालिस्तान पर अपन को क्या भरना है, चरण, सागर ने भारत माँ के चरण पखारे, ठीक है बच्चों, समझ आया। इसमें क्या भरा हो जाएगा, चरण। नेक्स्ट दिया हुआ है गा नंबर पर, हिमालय खालिस्तान रक्षा करता है। खालिस्तान पर क्या हो जाएगा, प्रतिपल, हिमालय प्रतिपल रक्षा करता है। प्रतिपल का मैंने आप सभी को अर्थ भी बताया था, प्रतिपल का अर्थ होता है हर समय, हर पल रक्षा करता है, किससे रक्षा करता है, दुश्मनों से, ठीक है बच्चों, हिमालय प्रतिपल रक्षा करता है। हमने मिलकर रूप सवारा, खालिस्तान दिया हुआ है उसमें क्या भरा हो जाएगा, रूप सवारा, किसका रूप सवारा है, भारत माता का रूप सवारा है, ठीक है बच्चों, समझ आया ये खालिस्तान सभी को, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है तीसरे नंबर पर, सत्य और असत्य का। पहले नंबर पर का पर दिया हुआ है, लहराता सागर पूर्व दिशा में स्थित है। अब बच्चों मैंने बताया था आप सभी को, लहराता सागर कौन सी दिशा में स्थित है, दक्षिण दिशा में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साउथ। तो लहरात, इसमें दिया हुआ है लहराता सागर पूर्व दिशा में स्थित है, ये तो गलत हो गया, तो इसके सामने या तो आप असत्य लिख दीजिए या फिर क्रॉस का निशान लगा दीजिए, ठीक है बच्चों। आगे नेक्स्ट है, हिमालय दक्षिण दिशा में खड़ा है। अब हमने हिमालय भी पढ़ा था, तो हिमालय कौन सी दिशा में था, उत्तर दिशा में, ठीक है, तो ये भी गलत है, तो इस पर या तो गलत का निशान लगा दीजिए या असत्य लिख दीजिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है, सागर भारत माँ के चरण पखारता है, ये बिल्कुल सही है। चरण मीन्स होता है पैर, पखारना मैंने बताया था आपको, पैरों को धुलना, तो सागर भारत माँ के चरण को पखारता है या पैरों को धुलता है, तो इस पर क्या हो जाएगा, सही, सत्य या फिर राइट का निशान लगा दीजिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है, उत्तर में बादल हिमालय से टकराकर जल बरसाते हैं। तो उत्तर में जो हिमालय है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, उससे जब बादल टकराते हैं तो जल बरसता है। मैंने आप सभी को पहले ही पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसको, तो आपको समझ आ गया होगा, तो ये बिल्कुल सही है, तो इस पर सही का निशान लगा दीजिए, उत्तर में बादल हिमालय से टकराकर वर्षा करते हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आते हैं चौथे नंबर पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर में बादल किससे टकराकर जल बरसाती हैं। तो उत्तर में आप सभी को मैंने बताया था, उत्तर में किससे टकराकर जल बरसाते हैं, हिमालय से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय। उत्तर में बादल हिमालय से टकराकर जल बरसाते हैं, ठीक है बच्चों, समझ आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा देश कैसा है। हमारा देश कैसा है बच्चों, बहुत सुंदर है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा देश बहुत सुंदर है, इसका आंसर लिखना, हमारा देश बहुत सुंदर है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, गंगा की पावन धारा क्या करती है। गंगा, इसका आंसर हो जाएगा, धरती को हरा भरा करती है। क्या करती है गंगा की पावन धारा, धरती को हरा भरा करती है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धरती को हरा भरा करती है। आप सभी बच्चे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके आगे इसको लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, धरती का रूप कौन निखारता है। धरती का रूप प्रकृति निखारती है। प्रकृति मैंने आप सभी बच्चों को बताया भी है, इंग्लिश में इसको नेचर बोलते हैं, इसका अर्थ होता है कुदरत। तो धरती का रूप कौन निखारता है, प्रकृति, हरे भरे पेड़ पौधे फूल ये सब धरती पर ही उगते हैं ना, तो ये कौन, धरती का रूप कौन निखारती है, प्रकृति, ठीक है बच्चों, समझ आया प्रश्न और उत्तर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं शब्द बोध। पहला दिया हुआ है, वर्ण पहेली में से दो दो पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। अब क्या करना है, जो शब्द दिए हों उनके अपन को दो दो पर्यायवाची लिखना है, ठीक है बच्चों।
पहले नंबर पर दिया हुआ है जग। जग का पर्यायवाची होता है संसार और जगत। तो पहले नंबर पर लिखना संसार, दूसरे नंबर पर लिखना जगत। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है बादल। बादल, बादल को बोलते हैं मेघ और अंबुज। तो पहले नंबर पर लिखना मेघ और दूसरे नंबर पर अंबुज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है चरण। चरण को बोलते हैं पैर और पग। पहले नंबर पर पैर और दूसरे नंबर पर पग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है जल। जल को बोलते हैं पानी या नीर। पानी और नीर, इसके दो पर्यायवाची हो जाएंगे। तो पहले नंबर पर लिखेंगे पानी और दूसरे नंबर पर नीर। ठीक है बच्चों, ये अपने पर्यायवाची कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये समझ आया होगा। अब यहाँ हमारी बुक्स में साइड में एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कुछ अक्षर बने हुए हैं, शब्द बने हुए हैं। उनको हम मिलान करेंगे और उनसे नए शब्द बनाएंगे। पहले नंबर पर जैसे कि मे और घा दिया है, तो उसको मिला के हम क्या पढ़ेंगे, मेघ। इसके नीचे अंडरलाइन कर देना या फिर इसको बॉक्स में बंद कर देना। ठीक है बच्चों, फिर उसके नीचे दिया हुआ है जा और ला। तो जा और ला के नीचे अंडरलाइन करेंगे, उसको मिलाकर क्या हो जाएगा, जल। उसके नीचे दिया हुआ है सा, सा पे अम की बिंदी। फिर उसके नीचे एक और बड़ा सा है जिसपे बड़ा की मात्रा है। और फिर उसके नीचे है रा, तो उसको पूरे को मिलाकर क्या हो जाएगा, संसार। तो संसार को एक बॉक्स के अंदर अपन बंद कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया। अब उसके साइड में दिया हुआ है ना और ला। ना और ला को मिलकर हम पढ़ेंगे नल, तो उसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है बच्चों, और उसके नीचे दिया हुआ है पा, पा पे बड़ा की मात्रा, ना, ना पे बड़ी की मात्रा, पानी। तो उसको अंडरलाइन करेंगे और उसको बॉक्स में बंद कर देंगे। ऐसे और भी कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनको आपको मिलाकर उनके नए शब्द बनाने हैं, तो आप उसको अंडरलाइन करना और उनको बॉक्स के अंदर बंद करना। ठीक है बच्चों, इसी तरह हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा और बहुत मज़ा भी आया होगा। थैंक यू।